अपमाद वगो गाथा और कथा नंबर 25 या 2.5। ये कथा और गाथा राजगह यानी राजगीर का जो वेणुवन था वहां की है। वेणुवन बोलते हैं बांस के वन को जहां भगवान बुद्ध रहा करते थे। कथा इस प्रकार है, दो सगे भाई थे, एक बड़ा भाई था महापंथक और छोटा भाई था चुल्ल पंथक। महापंथक का मतलब होता है महा माने बड़ा और पंथक माने जो राहगीर होता है उसको बोलते हैं, ये नाम है। और चुल्ल माने होता है छोटा, पंथक माने राहगीर। महापंथक बुद्धि से तेज है, बहुत समझदार है और चुल्ल पंथक थोड़ा सा देर से समझता है और देर से थोड़ा सा बात को अपने काम में लेके आता है। कहानी इस प्रकार है, दोनों ही भगवान बुद्ध के पास आते हैं, भगवा के पास आते हैं, तथागत के पास आते हैं, सुगत के पास आते हैं और दोनों ही पवज्जा ग्रहण कर लेते हैं, दोनों ही भिक्खु बन जाते हैं। महापंथक अपने बल से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से बहुत जल्दी अर्हत पद को प्राप्त कर लेता है। उधर 4 महीने तक भी चुल्ल पंथक जो उसका छोटा भाई है उसको एक गाथा याद नहीं हो पाती। गाथा जो भगवान बुद्ध जो 2 लाइन में 4 लाइन में बात का सार को बताया करते थे, जो धम्मपद के अंदर जितनी भी हैं वो सब गाथाएं हैं और जितनी भी त्रिपिटक के अंदर हैं वो सब गाथाएं हैं, उनकी कथाएं अलग होती हैं। कथाएं बहुत बड़ी होती हैं, उसका जो सार होता है उसको गाथा बोलते हैं। तो 4 महीने तक जब एक भी गाथा नहीं याद कर पाया तो महापंथक ने कहा कि आप चीवर छोड़ दो और आप चले जाओ। उधर जीवक ने भिक्खु संघ को और भगवान को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया है। सारे लोग वहां जा रहे होते हैं और जो चुल्ल पंथक है वो अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार अपना बिहार से वेणुवन से वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको कथा है, कथा के अनुसार रास्ते में उनको भगवान बुद्ध मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं तो वो सारी घटना बताते हैं कि ऐसा ऐसा बड़े भाई ने कहा है। उनको करुणा आती है, दया आती है, वो उसको एक कपड़ा देते हैं और उसको कहते हैं कि इसको धोना, इसको बार बार मलना और इसके बदलने की स्थिति देखना कि ये कैसे बदलता है और उसके हिसाब से देखना कि मन कैसे बदलता है और कैसे चीज़ें काम करती हैं। सिर्फ देखना है, दिट्ठा है, देखने में देखना है। भगवान की आदेश अनुसार वो वापस वेणुवन जाता है और वहाँ जाके चुल्ल पंथ उस कपड़े को बार बार रगड़ के धोना देख लेता है। उधर वो भिक्खु संघ के साथ और महापंथक के साथ में भगवान जीवक के यहाँ भोजन दान के लिए जाते हैं। इधर वो जो चुल्ल पंथ है वो जब कपड़ा को बार बार रगड़ता है तो वो देखता है कि हर बार कपड़ा रगड़ने पे पहले वाला कपड़ा नहीं है, अब दूसरा कपड़ा ये है, कुछ फेड हो गया है, कुछ खुरदुरा हो गया है, कुछ ये बदल गया है। ऐसा देख के वो समझता है कि जीवन कैसे बार बार बदलता है और वो वहीं ध्यान और व्यवस्था में बैठे 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 अर्हत हो जाता है। उधर भगवान बुद्ध जब भोजन दान कर लेते हैं तो पुण्य बोधन का यानी भोजन किया है तो भोजन के बदले में उसको शिक्षा देनी है, टीचिंग देनी है। तो टीचिंग का काम किसी भिक्खु को सौंपना है या खुद भगवान बुद्ध भी दे सकते हैं, मगर वो तो ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो कोई बिहार में भिक्खु तो नहीं रह गया, अगर कोई रह गया हो तो उसको लाओ, पुण्य मोदन वो करेगा। एक आदमी दौड़ा दौड़ा बिहार में जाता है, वेणु बन जाता है और वहां जाके देखता है तो वहां 1000 उसे भिक्खु दिखाई देते हैं। कथा है, कथा के अनुसार मैं आपको ऐसा बता रहा हूं क्योंकि रिद्धि बल के अनुसार ऐसा बताया गया है। वो दौड़ा दौड़ा वापिस आता है, वापिस आने पर वो भगवान से कहता है वहां तो 1000 भिक्खु हैं। वह कहते हैं कि जाओ उनमें से जो चुल्ल पंथक है उसका नाम लेना तो उसको आमंत्रित करना कि भगवान बुद्ध ने पुण्य बोधन के लिए बुलाया है। वो फिर दौड़ा दौड़ा जाता है और वो कहता है कि चुल्ल पंथक मेरे साथ चलो, चुल्ल पंथक कौन है। 1000 के 1000 भिक्खु कहते हैं मैं चुल्ल पंथक हूँ। वो फिर दौड़ा दौड़ा जाता है, वो सारी बात भगवान को बताता है। भगवान कहते हैं कि अब के जो सबसे पहले बोले आप उससे जाके निमंत्रित करना। वो दोबारा जाता है कि चुल्ल पंथक कौन है, जो सबसे पहले बोलता है उस भिक्खु के पास जाता है,
और जैसे ही वहाँ निवेदन करता है बाकी 999 भिक्कू भी खत्म हो जाते हैं, उनकी प्रतिछाया जो छाया है या शेडो है वो सब खत्म हो जाती है, उनका भ्रम खत्म हो जाता है। चुल्लपंथक वहाँ आता है, आके पुण्यमोदन करता है। पुण्यमोदन करने के बाद में सारे भिक्कू में बड़ी खलबली मस्ती है कि एक भिक्कू जिसपे 4 महीने तक एक गाथा भी नहीं याद हुई वो कैसे अर्हत हो गया, वो भिक्कू कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ, ये जानने की जिज्ञासा में सभी लोग भगवान बुद्ध से पूछते हैं। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा नंबर 25 यानी 2.5 अपमादवग्गो की कही। गाथा इस प्रकार है, उठानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपं कई रात मेधावी यंग ओघो ने अभी कीर्ति। इसमें जो उठा नेन अपमादेन है जिसमें एन लग लग जाता है उसका मतलब है से या द्वारा, यानी उत्थान से, और अपमादेन का मतलब है ए प्रमाद से। संयमेन का मतलब है संया से, समझ से, संयत से। दमेन चे, दमेन का मतलब है दमन करता है अपनी बुराइयों का, जो दमन के द्वारा जो दमन करता है उससे। वो कहते हैं कि जो अपमादेन जिसमें प्रमाद नहीं होता है, जो अपने उत्थान के लिए संघर्ष कहता है, उद्योगशील होता है, मेहनत करता है, जिसमें संयत होता है, ऐसा व्यक्ति। दीपं करियात मेधावी, दीपं करियात मेधावी का मतलब है दीपं माने होता है जो दीप होता है। दीपं के यहाँ दो मतलब हैं, दीप एक उसको भी बोलते हैं जिससे प्रकाश आता है, और यहाँ दीप का मतलब वो दीप भी है जो पानी के बीच में जमीन का उभार होता है, तो यहाँ जमीन के उभार वाले दीप से मतलब है। दीपं करियात मेधावी यानी जो मेधावी होता है, जो बहुत समझदार और तेज पुरुष या महिला होती है, वो एक ऐसा दीपक बनाना चाहिए उसको। कैसा दीप बनाना चाहिए? यंग ओघो ने अभी कीर्ति, यंग माने जिसमें या जो, ओघो माने बाढ़ और ने अभी कीर्ति, अभी कीर्ति का मतलब है ने माने नहीं और अभी कीर्ति माने बिखर जाए, यानी कि अगर बाढ़ आए और बाढ़ में वो दीप ना डूबे ना बिखरे ऐसा उसको दीप बनाना चाहिए, ये इसका मतलब है। इसकी देशना इस प्रकार है, भगवान बुद्ध ने वो जो चुल्लपंथक है, चुल्लपंथक को समझाया कि कपड़े को लगातार देखेंगे और धोएंगे तो कपड़ा हर धोने के बाद में, हर धोवन के बाद में बदलेगा। ऐसे ही मनुष्य का जो मन है वो बदलता है, हर क्षण प्रतिक्षण बदलता है, और जो मनुष्य का शरीर है वो भी बदलता है। संसार की जितनी चीज़ें हैं वो क्षण प्रतिक्षण कारण और हेतु से बदलती रहती हैं। जो समय पहले वो कपड़ा था अब वो बाद में नहीं है। ये कपड़ा जितना भी है ये अनिच्य है, अनित्य है, ये इम्परमानेंट है, इम्परमानेंस है, यानी इस कपड़े का कोई स्थायित्व तो नहीं है। इसी प्रकार जीवन का भी कोई स्थायित्व तो नहीं होता है। दुख और सुख आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए, अर्थ होने के लिए विपसना साधना में इनको ध्यान से देखो कि ये कैसे काम करते हैं। अगर आप हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़ में एक विपसना छुपी हुई है। वहाँ उन्होंने उसको एक क्रिया में लगाने के बाद, एक माध्यम देने के बाद, उसको अंतर्मन से समझाया कि कैसे ये काम करता है और वो समझ गया। यहाँ इस कथा से ये बात तय होती है कि कोई बहुत तेज और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी है और अगर कोई कम बुद्धिमान भी है, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इसको समझ सकते हैं कि शरीर मनुष्य नाम और रूप कैसे काम करता है, शरीर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इस गाथा के अनुसार वो स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा दीप बनाना चाहिए कि अगर बाढ़ आए तो बाढ़ में वो दीप ना डूब जाए, अपना दीप बनाना चाहिए, यानी कि जो अपना शरीर है उसका एक ऐसा टापू, ऐसा दीप बनाना चाहिए, ऐसा आइलैंड बनाना चाहिए जिसमें बाढ़ का पानी आके उसको बिखेर ना दे। उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? अप्रमाद रहना चाहिए, यानी कि मौज मस्ती और जो निगेटिव चीज़ें हैं, शराब है, जुआ है, अफीम है, चरस है, गांजा है, व्यभिचार है, चोरी है, चकारी है, या जो समय का आजीविका नहीं है, इन सब से उसको दूर रहना चाहिए, अप्रमाद में रहना चाहिए, उसको संयत रहना चाहिए, उसको दमन करते रहना चाहिए अपने राग और द्वेष का, इनकी बुराइयों का दमन करना चाहिए, और उसे इसमें लगातार उठेन का मतलब है उत्थान के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। ये इस कथा का देशना है। धन्यवाद।